देखा नहीं फिर भी दीवाने हमारे इलाके में आए नहीं, फिर भी दीवाने घर में दे हमने बसाहिर देखा नहीं फिर भी घर का नाम क्या रखा केजीएन, गाड़ी में बैठे नहीं क्या लिखा केजीएन, यानी पता क्या चला हिंदुस्तान में दो टाइप के लोग हैं, जिसने करीम नवाज का नाम लिखा परचम को पलन किया वो बताता है हम नश्तियों के हाथ परिवार नहीं अली के बेटे के हाथ परिवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों ख्वाजा कौन है जिनका आज परचम अजमेर की धरती पर बुलंद हुआ है, जिनकी बारगाह में आज उर्स के आगाज का परचम बुलंद हुआ है। मेरे दोस्तों मेरे ख्वाजा वो है जिस पर तबलीग नाश करती हो, कुरान नाश करता हो, महबूबे खुदा नाश करते हो, अली नाश करता हो, यहां तक कि बुलाने वाला खुदा। बड़ी प्यारी बात शहर में आई है मेरे दोस्तों, जिस रब ने मेरे काम मेरे ख्वाजा को पैदा किया था हम आज उनके दीवाने क्यों है, आज हम उनके शहदाई क्यों है, आज हम अपना घर उनके नाम पर क्यों लुटाते हैं, अपना माल उनके नाम पर लुटाए, अपनी जायदाद उनके नाम पर लुटाए, वजह क्या है? वजह इतनी है मेरा ख्वाजा, भोज वालों मेरा ख्वाजा जिसके हम भक्त हैं, गुलाम है, मुरीद है, उसकी शान ऐसी है कि 70 साल तक, कितने साल, 70 साल तक जिसने अपनी पीठ जमीन पर ना लगाई हो, कितने साल तक, कितने साल तक, कितने साल तक, 70 साल तक जो अपने पीठ को जमीन पर लगा के लेटा ना हो उसे ख्वाजाए अजमेर। मैं सोच में पड़ा, अरे मेरे ख्वाजा क्या इबादत का ये भी कोई तरीका होता है, क्या इबादत का ये भी तरीका होता है? मैंने तो बहुत सुने है वाकिया, लेकिन एक ख्वाजा आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, एक ख्वाजा आप पर हमारा तन मन कुर्बान, कैसी शान महबूबियत अल्लाह ने आपको।